अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज 27 नवंबर था। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग थोड़ा थोड़ा बना रही थी पर उसको मैं अपलोड नहीं कर रही थी, तो मैंने सारी क्लिप्स कुछ कुछ दिनों की डाल के एक व्लॉग बनाया है। 27 नवंबर को हमने छोटे छोटे बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को मीठे चावल खिलाए। ये बहुत सवाब का काम भी होता है फ्रेंड्स। और मोहम्मद आराम थोड़ा की तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से भी उसको बच्चों को लेकर खिलाया ताकि सवाब भी मिले और जो मुसीबत होती है वो भी टल जाए। ऐसे करने से फ्रेंड्स दिल को बहुत सुकून भी मिलता है और सवाब भी मिलता है। आप सब लोगों को हमेशा ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड्स वो उन्हीं बच्चों को मोहम्मद आराम ऊपर लेकर गया अपनी खिलौनों के साथ खेलने के लिए। खुद भी खेल रहा था बच्चों के साथ, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। चलिए देखिए। मोहम्मद आराम व्हाट डूइंग? No, mother. It's a samosa. It's a samosa. Are. फ्रेंड्स, फिर मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने व्लॉग 1 दिसंबर से स्टार्ट किया। 1 दिसंबर को हम ग्रोसरी लेने गए मार्केट, और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, काम था। चलिए वो देखते हैं। फिर इधर मेरी सिस्टर ग्रोसरी ले रही थी और कंप्लीट हो चुकी थी लेकर। हम गाड़ी में डलवा रहे थे और वापस घर जा रहे थे। इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं, हम अपनी गाड़ी को खड़ा ही नहीं कर पा रहे थे। बस शुक्र है अल्लाह का, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमें कुछ जाना था, कुछ भाई का घर ऊपर बन रहा है तो उसके लिए कुछ मार्बल वगैरह जो कम थी वो लेने जाना था। जस्ट सिर्फ पिक करनी थी, बाकी तो रेडी थी चीज़ें। Thank you.
हनी 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 थका चानी चानी क्लैपिंग 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 कथे वने तो क्लॉक में नो नो प्लीज नो क्लॉक प्लीज नो क्लॉक प्लीज नो मैडम नो क्लॉक फ्रेंड्स फिर हम घर वापस लौट आए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मोहम्मद आराम की विंटर शॉपिंग की उसमें हमने क्या क्या लिया। मोहम्मद आराम के लिए एक दो सूट लिए, शायद तीन सूट लिए। एक ये लिया हुडी में, वो हुडी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। और एक ये टॉप लिया, टॉप माशाल्लाह बहुत है। ये सॉक्स लिए, ये सॉक्स भी बहुत अच्छे थे, तीन चार सेट लिए थे। उसके बाद एक ये सूट लिया था, ये भी बहुत ही अच्छा था, इसके कलर्स मुझे बहुत पसंद आए थे और उसकी मम्मी को भी पसंद आए थे इस वजह से। उसके बाद फ्रेंड्स ये मोहम्मद आराम के लिए हमने इस हीरोज़ का सेट लिया, उसमें स्पाइडर मैन और बहुत सारे हीरोज़ थे, हल्क वगैरह। ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से हमने इसके लिए ये सेट लिया। इसको देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि ये चला नहीं था साथ, तो इसके लिए कुछ ना कुछ लेना तो लाजमी बनता था। ये सारी चीज़ें इसके लिए ली, पूरा सेट ये देखिए सारे हीरो। ये कह रहा है कि ये हमारे घर में एक गेस्ट आए, कह रहे हैं कहाँ से आया है। फ्रेंड्स आज वाली मोहम्मद आराम न्यू डॉल सेट लाया था मैं जैसे जॉब से आई तो वो मुझे दिखा रहा था कि ये चीज़ें ली है। वो डॉल को अदी बोल रहा था इस तरह से, तो जमा करके सारी चीज़ें बैठा था और मुझे दिखा रहा था कि दिस इज़ डॉल नॉट दिस इज़ माया थी, उसको अपनी सिस्टर बोल रहा था इस तरह से। फिर मोहम्मद आराम के साथ फिर हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। अगर वो एक दिन भी हमारे घर नहीं आता, सिस्टर अपने घर रहती है, तो फिर हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स इसके साथ, तो ये हमारा दिल लगता है अबू के बाद, वरना तो हम जी भी नहीं पाते।
चीयर्स का, चीयर्स चीयर्स, थैंक यू बेबी अदा। ये मोहम्मद आराम के खिलौने कल लाया है, हीरो के सेट लाया है और बेडरूम सेट लाया है डॉल का। ओ तो कोई चीज हो रही माँ भी का, ओ वो तो रेश कहिया। ये मोहम्मद आराम अपने फ्रेंड को बुला रहा है, आप नालो चाहे हसन शट कहो। अच्छा बस अच्छो पान हनु था और बी गाड़ी में बाबू बाबा बाबू अच्छे तो ना सानी पांच गाड़ी टू गाड़ी हूं ना सानी अच्छे न तो अच्छे शर्मा दो वो नहीं आ रहा अभी मैं उसको बुला रही हूं। वालेकुम फ्रेंड्स, ये मोहम्मद यूनिस जो इसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनिस। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? आई एम इन क्लास टू। और अभी क्या लिख रहे हैं? काउंटिंग। काउंटिंग लिख रहे हैं। आपने जो ड्राइंग की थी वो दिखाएं। वाह कितना अच्छा, क्या बनाया है ये आपने? ये मैंने पैरोट बनाया है। पैरोट बनाया है। और दूसरी कौन सी ड्राइंग की थी? फ्रेंड्स ये देखें इसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है माशाल्लाह से, टू क्लास में पढ़ता है और कितनी अच्छी राइटिंग सफाई से लिखता है। ये क्या लिखा है आपने? जश्न आमद रसूल। और वाह माशाल्लाह, ये किसने, ये आपने बनाई है जी? अच्छा माशाल्लाह। और इसको एक्सप्लेन करें। ये हाउस है, ये सूरज है, ये ट्री है, ये बेड़ी है, इसमें लोग बैठे हैं, ये बेड़ी के बाहर खड़े हैं, बोट में के बाहर खड़े हैं जी। सही है, ये सेफ गार्ड सेफ्टी के लिए लोग हैं जी। अच्छा वाओ ये कितनी अच्छी है फ्रेंड्स, देखे इसकी ड्राइंग। आओ क्रिकेट खेले रहीम एंड ही फ्रेंड, वो तीन दोस्त थे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं इन द प्ले ग्राउंड, वो एक खेल का मैदान है। मोहम्मद आराम नो अता के पनन लो प्ले ग्राउंड, वो ये बहुत बड़ा खेल का मैदान है। इट इज नियर हिज डियर हाउस, वो ये इनके घर के करीब है। हाँ। बस अभी मोहम्मद यूनिस के जाने का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज़ कहो मोहम्मद यूनिस। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे कल, ऐसे बोलो फिर मिलेंगे कल। ओके अल्लाह हाफिज़।